मिसेस करमरकर, बहुत बहुत मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। मैंने कहा था ना, आपके सारे सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं। सिंपल सा तो टेस्ट था, 5 मिनट ही लगे। रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, यू आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर थैंक यू सो मच। अपनी जान की डॉक्टर की आपने आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी मुझे मैं। हाँ हाँ, पर ये खुशखबरी अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आई है। अब आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होगा। कल अपने हस्बैंड को लेकर आइए, मैं आप दोनों को प्रिकॉशन समझा देती हूँ। टिल देन टेक केयर। डॉक्टर थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे पोलिटिकली तारीफ नहीं कर सकता, बट दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है। रीत, तेरी चूड़ियां नीचे गिर रही है। थैंक्स आजी। मुझे पता है, बहुत थक गई है ना, ऐसे होता है शादी में, इतनी भाग दौड़ होती है कि हम थक जाते हैं, खास तौर से दूल्हा दुल्हन। हमारे तो फिर भी कितने सारे लोग हैं मदद करने के लिए, लेकिन शेखर, उसके घर पे तो कोई नहीं है, सिर्फ वो अंकिता है जो अकेली भाग दौड़ करे जा रही है। इतनी मेहनती लड़की है, बाप रे, लेकिन पता नहीं क्यों परी मुझे बिना बताए चली गई आज घर पे। तेरी कुछ बात हुई उससे? वो क्यों चली गई? अरे आई, मैं तुझे बताना भूल गई, अंकिता की तबीयत खराब हो गई अचानक से, इसीलिए उसे निकलना पड़ा। तबीयत ठीक नहीं, मतलब क्या हुआ उसे? नहीं, कुछ बता रही थी कि परी के साथ शॉपिंग पे गई थी तो वहां शायद से पानी पूरी खा ली थी। आई गेस कोई स्टमक इन्फेक्शन होगा। लेकिन मुझे तो उसने कुछ कहा ही नहीं। आई होप वो ठीक होगी। मैं एक काम करती हूँ, उसे कॉल करके देखती हूँ ना। आई, इतनी रात हो गई है, इतनी रात क्यों कॉल कर रही है? आराम कर रही होगी ना वो, तो सुबह कॉल कर लेना उसे। आज इतने दिनों बाद घर में शांति है, वरना कोई ना कोई सर पे सवार रहता है। अरे वो अत्तू है ना, वो बैंगलोर गई थी और वहाँ जाके कहीं गिर गई और बुड्ढी अपनी टांग तोड़वा के आ गई। अब उसे देखने के लिए घर वाले सारे वहाँ गए। और वो मेलोड्रामा क्वीन है ना, वो किसी दोस्त के फंक्शन में गई है। अब अंकिता, तुम किन्नरी? आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी खुश हो? कोई नई ब्यूटिशियन मिल गई? किन्नरी, दरअसल मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ये खबर मैं सिर्फ नरेंद्र को बताऊंगी, बाकी सबको बाद में। अब बताओगी भी? उससे भी बहुत बड़ी खुशी की बात, लेकिन वो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ओ गॉड, घर में एक पागल कम था कि एक और ऐड हो गई। I miss you so much, Narendra. जल्दी आ जाइए, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए। आपको बहुत सारी बातें बतानी, और एक ऐसी बात बतानी जिससे सुनकर आप पागल हो जाएंगे। I miss you. I really miss you. Narendra, आपको एक बात पता है? नहीं पता ना, मैं आपको बता दूं। आप डैड बनने वाले, आपको पता है? नहीं ना, जल्दी आ जाओ, मुझे बात आपको बतानी है, और मैं आपको बहुत 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 ज्यादा मिस कर रही हूं। हेलो हेलो आना, तुम यहाँ बैंगलोर में हो क्या? मैं बैंगलोर में कैसे हो सकती हूँ? मतलब नहीं हो ना, मुझे लगा तुम बैंगलोर में, तुम तो मुंबई में ही। अच्छा एक बात बताओ, मुझे मिस कर रही हो? हाँ नरेंद्र सर, लेकिन आपको कैसे पता? अरे क्योंकि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम्हें पता मैं इतना मिस कर रहा हूँ कि
मुझे ऐसा लगा, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लगा तुम्हारी आवाज सुनाई दी मुझे, इसलिए तो मैं ढूंढता कॉरिडोर में यहाँ तक आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी इंसान को बहुत मिस करते हो तो उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे लग रहा है अगर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता ना तो मुझे कहीं दिखने भी लगती। अच्छा बताओ कि तुम मुझे इतना मिस क्यों कर रही? क्योंकि आप और मैं, हाँ मैं और आप, हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से यहाँ आ जाए और मेरे साथ शादी में चले। आप कब आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ, कल सुबह की फ्लाइट भी बुक कर ली है, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए आप तो कैसी है अभी? अब बेटर है एक्चुअली, थोड़े बहुत टेस्ट तो चल रहे हैं, सब पास हो गए, उनको डिस्चार्ज भी जल्दी मिल जाएगा। शी इज बेटर नाउ, लेकिन उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, विच आई विल डू। ओके नरेंद्र सर, जल्दी आइए प्लीज, मुझे आपको कुछ बताना है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तो अभी बताओ ना आना प्लीज, आना तुम देखो प्लीज, अभी बताओ मेरे को, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। मैं पहले फ्लाइट पकड़ के घर आऊंगा, फिर घर जाके अत्तू को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद शेखर की शादी में आने लगूंगा, जब तक शेखर की शादी में आऊंगा तुम रसम के लिए उधर चली जाओगी, और उसके बाद हॉल में आना, तब तो बहुत देर हो जाएगी, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज अभी बताओ ना प्लीज। नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं आपको ये बात बताऊं तो हम दोनों साथ, मैं आपके रिएक्शन देखना चाहती हूँ। अच्छा ओके, आई बी वेटिंग ईगरली, तुम्हें पता है मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं, बट आई विल वेट। एंड आई मिस यू। आई मिस यू टू। एंड आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू थ्री, आई लव यू फोर। ओके बाय। ओके अरे डिस्चार्ज करने के लिए ना डॉक्टर कुछ बात करना चाहते हैं। मॉम मॉम एक मिनट, मैं आना से बात कर रहा था, उसको मुझे कुछ जरूरी बात बतानी थी, और वो कह रही थी मुझे फोन पे नहीं बताएगी। Why don't you ask her? आपसे बहुत डर जाएगी वो। देखो नरेन, अगर तुम्हें नहीं बता रही तो मुझे कैसे बताएगी ना? तुम कल पूछना, okay? Come on now. हाँ, actually, that's a right idea. Because पति-पत्नी का सीक्रेट हो सकता है, आपको क्यों बताएगी? Okay, मैं डॉक्टर से मिलता हूँ। I'll just use the loo one, come. एक मिनट। Perfect बना के रख दिया मेरे बेटे को। Ridiculous.